एक रसम बनाए, ओके, एक बैगन करी है, ओके, एक भिंडी फ्राई है, ओके, आज हम लोग पहुंच चुके हैं हाउस ऑफ करीज। यहाँ पे पर डे करी का 20 आइटम बनता है। चलिए देखते हैं 20 आइटम करी में आज कौन कौन सा करी है। भैया आपका नाम क्या है? का नाम नरेश है। हाँ, ये करी पॉइंट का जो आपका लोकेशन है वो कहाँ पे है? ये हैदराबाद में नागोल में है। हैदराबाद नागोल। और आपका शॉप का नाम क्या है? आपका नाम हाउस ऑफ करी पॉइंट। हाउस ऑफ करी पॉइंट, ओके। आपके पास पर डे कितना आइटम करी का बनता है? वेज में 10 आइटम, नॉन वेज में 12 आइटम रहते हैं। पर डे? हाँ, पर डे डेली चेंज हो जाते हैं। और डेली चेंज होते हैं? चेंज होते हैं डेली चेंज होते हैं। नॉन वेज चिकन करी, चिकन घुंगरा, हाँ, मटन करी, मटन फ्राई, मटन घुंगरा, लेग पीस रहते हैं, और फिश करी, फिश फ्राई, तो और अंडा करी। आप करी को दिखाकर सबका नाम बता सकते हैं कौन सा करी आपके पास अभी 20 आइटम में अवेलेबल है? एक कौन सा है? एक कैबेज फ्राई आना, ओके, ये बैगन मसाला, ओके, ये बैगन दम करी आना, ओके, ये पालक करी, ओके, ये टोंगरा चटनी, ये दाल, ये सांभर, ओके, ये भिंडी है ना? भिंडी का? हाँ, भिंडी का। ये रसम है, रसम तेलंगाना में पच्ची पुल्स, ओके, ये हरियाणा एग गाना, ये अंडा अंडा ग्रेवी, एग करी, ये कटेक मसाला, ये मटन बोटी आना है, मटन बोटी, ओके, ये चिकन लिवर, ये फिश फ्राई है ना, मछिका फ्राई, ओके, ये चिकन लेग पीस है, ये गोंगूरा चटनी है, अम्बाले का भाग, ये चिकन करी, ये चिकन फ्राई है ना, सर एक फिश करी है, फिश करी, हाँ फिश करी, ओके। तो आप देख सकते हैं कि नरेश भाई के पास पूरा 20 आइटम है, वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। आपके पास करी के अलावा और क्या क्या सुविधा अवेलेबल है? कैटरिंग भी अवेलेबल है, चपाती भी अवेलेबल है। कैटरिंग में क्या क्या है अवेलेबल? वेज नॉन वेज दोनों है। आपका शॉप का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक रहता है।